सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की को एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, आप सभी को बस करना क्या है गाइस, आप लोगों को जो बस वीडियो को ध्यान से देखना है। एंड गाइस, बस आप लोगों को जो भी मैं स्टेप बताऊंगा आपको उसको ध्यान से देखना है, एंड उसके बाद आपको जाकर अपनी फोटो को एडिट करना है, ठीक है? तो बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को करना है क्या है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहां से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है? मॉडल को यहां पे ऐड करना है। एंड गाइस, जो पोज वगैरह आप देख लो ध्यान से यहां पे, ठीक है? आपको भी पोज इसी टाइप का रखना है। देन आपको गाइस यहां पे स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से रखना है, मतलब कि गाइस पहले आपको एक विंग्स का पीएनजी भी है इसमें, आपको पहले मैं वो दूंगा, ठीक है? उसको पहले आपको फुल स्क्रीन करना है, देन उसके बाद आपको उसके हिसाब से आपको जो अपने मॉडल को रखना है। तो यहां पे मैंने विंग्स का पीएनजी ले लिया है। पहले आपको करना है कि आपको उसको फुल स्क्रीन करना है, ठीक है? इस तरीके से। एंड जितना साइज है गाइस उतना ही रखना है, ठीक है? आपको छोटा बड़ा नहीं करना है। फिर आपको उसको मूव डाउन करना है, अपना मॉडल को लेना है, ठीक है? इसको मूव अप कर देना है। एंड उसके बाद आपको जो है मॉडल है इस विंग्स के हिसाब से आपको रखना है, ठीक है? इस विंग्स के हिसाब से चलोगे तो गाइस मतलब आपका जो मॉडल एकदम परफेक्ट तरीके से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे विंग्स पे क्लिक करना है, इरेजर टूल में जाना है, इरेजर को क्लिक करना है, एंड साइज छोटा करना है। एंड उसके बाद आपको जो है साइड साइड से हल्का हल्का इरेज करना है, ताकि जो है आपके मतलब कि टी शर्ट जो भी होगा आपके पीछे उससे मैच हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी हार्डनेस जो है ये भी कम कर लेंगे, ताकि जो ज़्यादा इरेज ना हो, ठीक है? इतना हो जाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, जब गाइस जितना हो जाएगा आप सभी से, तो आपको सिंपली यहाँ पे डन करना है, ठीक है? डन कर देने के बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं है, ठीक है? आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में। एंड आपको जो है यहाँ पे एक हर्ट मून मिलेगा, ठीक है? हर्ट मून ग्लोइंग वाला, तो आपको सिंपली इसको करना है क्या गाइस, आपको उसको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे की साइड में लेके जाना है। एंड आप सबको ये चीज़ देखना है कि आपके हैंड में जो है अच्छे तरीके से ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है? मतलब वो कैसे चेक करोगे आप, आपको सिंपली यहाँ पे ओपेसिटी कम करनी है। एंड जो ओपेसिटी कम करोगे तो गाइस आपको इजीली यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? तो आपको कुछ इस टाइप से करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे रेजर टूल में जाना है, रेजर लेना है, यहाँ पे हार्डनेस फुल कर देना, साइज छोटा कर देना है। एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद जो आपको यहाँ पे सिंपली इसको इरेज करना है, ठीक है? इस तरीके से अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से इरेज करना है, ताकि जो मतलब लगे कि हाँ आपने सही में ही पकड़ रखा है ये अपने हाथ में, ठीक है? फिर उसके बाद आपको फिंगर विंगर के पास से भी ऐसे इरेज कर लेना है अच्छे तरीके से एकदम, मतलब कि खतरनाक फोटो बनानी है ना आप सभी को, तो मतलब इस तरीके से करना है। एंड बाकी जो नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट वाला एरिया होगा उसको आपको सिंपली इरेज कर लेना है साइज वाइज बढ़ा करके, ठीक है? ताकि फटाफट करना है, क्योंकि ये सब काम तो यार मतलब कि यार प्रो हो ही जाते हैं ना करते करते। फिर उसके बाद आपको ओपेसिटी यहाँ पे फुल करना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सबको यहाँ पे अपनी फोटो को कर देना है डन, ठीक है गाइस? अब गाइस एक यहाँ पे क्या होता है कि गाइस यहाँ पे अब बारी आती है शेडो बनाने की, तो आपको ऐड फोटो में जाकर यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा, आपको उसको लेना है। देन आपको यहाँ पे गाइस क्या करना है, आपको इन्वर्ट करना है, ठीक है? इन्वर्ट करके जो है गाइस मतलब कि आपको इसको इन्वर्ट करके आपको करना है कि आपको उसका पहले साइज इंक्रीज रखना है, ठीक है? इतना बड़ा रिजल्ट में जाना है, इन्वर्ट करना, ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद गाइस आपको जहाँ जहाँ पे शेडो चाहिए गाइस आप लोगों को वहाँ वहाँ पे शेडो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले फटाफट शेडो बनाता हूँ, फिर देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। सो गाइस शेडो वगैरह हमारे यहाँ पे बन चुकी, तो गाइस जब आप सभी को करना है आपको यहाँ पे सिंपली कर देना है इसको डन। एंड इतना हो जाने के बाद आपको जाना है अगेन ऐड फोटो में। एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक विग्नेट का पीएनजी मिलेगा, आपको सिंपली इसको ऐड करना है। एंड उसको ऐड करने के बाद आपको फुल स्क्रीन करके इस तरीके से ऐड कर देना है, एंड कर देना है डन। देन उसके बाद आपको जाना है अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है एक लाइट का पीएनजी, इसको ऐड कर देने के बाद आपको सिंपली एडजस्ट में जाना है, ठीक है? एडजस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले एडजस्ट में चलते हैं। सो यहाँ पे ये इफेक्ट के ऊपर आपको एडजस्ट में जाने के बाद आपको ह्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसको नीचे की तरफ लाना है। इसको करना है आपको ऑरेंज कलर, ठीक है? ऑरेंज कलर येलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लाइट रूम में तो उसको चेंज कर ही लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको उसका ब्लेंड मोड चेंज करना है, स्क्रीन करना है, स्क्रीन करने के बाद आपको साइज इंक्रीज करना कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आपको उसकी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, तो आपको उसकी ओपेसिटी सिंपली कम कर लेना है, ठीक है? इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली अपनी फोटो यहाँ पे डन करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है, इसको लेकर चलना लाइट रूम में, क्योंकि गाइस बिना रिटच का तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना पहले इस लाइट वाला ऑप्शन है। लाइट वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना है, हाईलाइट जो है गाइस इसको यहाँ पे थोड़ा कम करना है, जो शेडो है इसको इंक्रीज करना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको व्हाइट, आपको जो व्हाइट है इसको भी यहाँ पे थोड़ा कम करना है, जो ब्लैक है इसको यहाँ पे हल्का सा इसको भी कम कर देना है,
फिर जाना आपको कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, टेम्परेचर कम करना है, एंड उसके बाद आपको वहाँ पर कलर मिक्स में जाना है। कलर मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन प्लस कर देना है, एंड उसके बाद येलो कलर लेना है, इसका ह्यू माइनस करना है, एंड उसका सैचुरेशन प्लस। देन उसके बाद आपको अगर ना आपको यहाँ से चले जाना है डार्क ब्लू में, आपको इसका सैचुरेशन जो हल्का सा इंक्रीज कर देना है, एंड जो हाईलाइट है इसको कम कर देना है, एंड कर देना डन। देन उसके बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको वहाँ पर फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में विगनेट डाल देना है फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा आप ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना, एंड चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नोट रिडक्शन बढ़ा देना, एंड इसके नीचे मिले आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो अगर आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ उस वीडियो किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।